हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन और गुड़ से बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, जिसे आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे और इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब मन करे खाने का तब आप इसे गर्म करें और खा लें। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे ट्राई जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है गुड़ के टुकड़े, बिल्कुल देसी गुड़ लें जिसमें बिल्कुल भी गंदगी ना हो। अब इसके साथ लेंगे 3/4 कप यानी कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध। आप सोच रहे होंगे कि दूध और गुड़ को एक साथ पकाने से फट जाता है, लेकिन हम इसे साथ में नहीं पकाएंगे, अलग अलग पकाएंगे यानी अलग अलग स्टेज में मिक्स करेंगे, जिससे दूध हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हम बनाएंगे मिक्सचर यानी कि हलवे का बेस। अब बड़ी सी मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप बेसन। अब डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच देसी घी और इसके साथ ही डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से रगड़ रगड़ के मसल लेंगे। दूध और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिस तरीका से हम मोए रेडी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसे होगा क्या कि जो गुड़ वाला बेसन का हलवा बनेगा वो बहुत ही दानेदार बनेगा, जिसका टेस्ट एक अलग लेवल का ही हो जाएगा। अब हम इसे मोटी जाली से छान लेंगे, जिससे कि हमारा एकदम दानेदार बढ़िया से इसमें दाना निकल आएगा। तरीके से हम ऐसे रगड़ते हुए इसे छान लेंगे मोटी जाली से। इसमें एकदम अच्छा सा देखिए दाना दाना निकल आया है। ऐसे रगड़ते हुए हम पूरा अच्छे से छान लेंगे इसे। अब मैंने एक भारी तले का पैन लिया है और गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है और इसे हम डालेंगे बेसन को, मिक्सचर को, उसे हम बिना घी का ही भुनेंगे। घी हम बाद में डालेंगे, थोड़ा भुनने के बाद में। उससे क्या होगा कि घी जो है वो हमारा कम लगेगा और हलवा जो है हमारा वो लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा घी में बनाया है। अब हल्का इसका कलर चेंज हो गया है और इसका टेक्सचर दानेदार हो गया है। अब इसमें डालेंगे घी 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको भूनेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर हो जाएगा जैसा कि हम ज़्यादा घी में भूनते हैं। देखिए, इस स्टेज में आने के लिए कम से कम आधा कप से ज़्यादा घी लगता है जब हम कच्चे बेसन में घी डालते हैं। और अब देखिए ये 3 चम्मच घी के अंदर कितना बढ़िया इसका दानेदार टेक्सचर है और बहुत ही अमेजिंग बनेगा हलवा हमारा। अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसके अंदर धीरे धीरे दूध डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा दूध हम बचा के रख लेंगे। अब ये एकदम हलवे वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है और इसके अंदर इस पॉइंट पे मैं डालूंगी गुड़, देसी गुड़ 1 कप के करीब मिठास के लिए। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ काफ़ी हेल्दी वर्जन में, इसलिए मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ डालने के साथ मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी दूध, जो हमने बचा के रखा था, ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी हमारा हलवा बनता है। आप इसे स्टोर करके 1 महीना तक रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसे जब मन करे खाने का तो आप थोड़ा सा निकालिए, गर्म करिए और खा लीजिए। इसका लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया, कितना दानेदार हुआ है। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी इलायची पाउडर। मैंने 3-4 इलायची का पाउडर बना लिया है, किशमिश और थोड़े से मैं डालूंगी काजू और बादाम। नट्स आप अपने पसंद के कोई भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डालिए। देखा ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया, कितना दानेदार हमारा हलवा बना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग। एक बार आप इसे बना के खा लेंगे ना तो बार बार इसे बनाने वाले हैं। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि आपने इसे कम घी में बनाया है, इतना स्वाद बनता है। ये लगेगा कि आपने बहुत सारा इसमें घी डाला है और बहुत ज़्यादा घी में आपने इसे बनाया है। देखिए, अब हलवा हमारा रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ओ
और ये लीजिए इस हलवे का टेक्सचर देखिए, इतना मज़ेदार है ना कि आप इसको खाने के बाद ना शादियों वाला हलवा भी भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी है, इस दीपावली आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं। स्पेशली इन सर्दियों में ये गुड़ वाला बेसन का हलवा बनाकर ज़रूर खाएं, देखना आपको बहुत पसंद आएगा। कंटेनर से इसकी गार्निशिंग करें और एयर टाइट जार में भर कर एक महीने तक फ्रिज में रख कर खाएं, और जब भी सर्व करना हो थोड़ा सा मिक्सचर निकालें, गर्म करें और खाएं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।